महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि सीटों का बंटवारा होता रहेगा, ऐसा नहीं है कि एक दो दिन में ये पूरा हो जाए। गठबंधन में 3 दल हैं और गठबंधन में हमारे अन्य मित्र भी हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है, ऐसा संभव नहीं है कि पहले दिन ही सारा बंटवारा हो जाए। सीट बंटवारा तो चलते रहेगा, सीट बंटवारा कोई आज डिक्लेयर हो गया कल और आज हो गया ऐसी बात नहीं है। इसमें 3 पार्टी है, बाकी भी हमारे अलायंस के हमारे दोस्त है, तो ये तो चलने वाली प्रोसेस है। आप कहेंगे पहले दिन सब यदि डिक्लेयर कर दो, सभी बंटवारा आज कर दो, तो ऐसे होने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग तीनों साथ में है, इकट्ठा है, हम लोगों में कोई डिस्प्यूट नहीं है, या महाआघाड़ी जैसे सीएम को लेकर हम लोगों में कोई झगड़ा भी नहीं है। अभी आपको क्या करना, आप देखो हमको क्या करना है, हम देखेंगे। लेकिन हम फिर से कहेंगे कि हम सब साथ में है। हमारे तीनों नेताओं ने भी कहा है कि हम लोग साथ इकट्ठा मिलकर ही इलेक्शन लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। और 2014-2019 में जो रिजल्ट आया था, स्पष्ट बहुमत हमें मिला था, उससे भी ज्यादा अच्छा स्पष्ट बहुमत हमें 2024 में मिलेगा। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर भारत के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर कर्ण सिंह ने कहा, 10 साल के बाद चुनाव हुए हैं, बिना कोई दुर्घटना के चुनाव हुए, ये बहुत बड़ी बात है। जम्मू कश्मीर में लोगों को पहली बार मौका मिला अपने राजनीतिक विचारों को प्रकट करने का, मैं इसका स्वागत करता हूँ। उमर अब्दुल्ला को मेरी शुभकामनाएं, हमारी अगली इच्छा पूर्ण राज्य के दर्जे की है, वो जल्द पूरी होनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, 10 वर्ष के बाद इलेक्शन हुए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, बिना कोई दुर्घटना के इलेक्शन हुए, बहुत बड़ी बात है। तो पहली बार मौका मिला जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने राजनीतिक विचारों को प्रकट करने का, तो मैं उसका बहुत स्वागत करता हूँ। और उमर अब्दुल्ला को भी मेरी शुभकामना है कि जो उन्होंने सरकार बनाई है वो सफल रहे। और अब अगला जो है, अगली हमारी इच्छा है स्टेटहुड, वो यथाशीघ्र होना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक साधारण स्टेट नहीं थी, बड़ी प्रमुख स्टेट थी, कहते थे मुकुट है भारतवर्ष का, लेकिन वो मुकुट आज स्टेट भी नहीं रही, यूनियन टेरिटरी बन गई। तो अब समय आया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, भारत सरकार ने भी कहा है कि यथाशीघ्र स्टेटहुड वापस दी जाएगी, आशा है वो जल्द से जल्द। झारखंड सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता ने झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा पर कहा, हम आशावादी हैं कि हमारी सरकार ने जो कार्य किया है उस काम के आधार पर हम कह सकते हैं कि जनता हमें फिर से सेवा का मौका देगी और हम बहुमत की सरकार बनाएंगे। नहीं, निश्चित तौर पर हम आशावादी हैं और हम लोगों ने, हमारी सरकार ने जितना काम किया है उस काम के आधार पर हम कह सकते हैं कि जनता जो है पुनः जो है हम लोगों को सेवा का मौका देगी और फिर हम बहुमत की सरकार बनाएंगे। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मैं उन्हें बधाई देने आया हूं, हमें खुशी है कि हमारा गठबंधन सहयोगी सीएम बनना और लंबे समय के बाद यहां लोकतंत्र स्थापित हुआ है, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि यहां राज्य का दर्जा बहाल हो। देखिए, उनको मुबारकबाद देने के लिए यहां आया हूं, हमारे को बड़ी खुशी हो गई, हमारी अलायंस पार्टनर के नेता ने आज चीफ मिनिस्टर बना, बहुत दिन के बाद डेमोक्रेसी यहाँ एस्टैब्लिश हुई है और इस डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए और संविधान के तहत सरकार चलाने के लिए ये एक मौका मिला है, हम जरूर इसको स्टेटहुड दिला के रहेंगे। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने कहा, लोगों ने राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए जनादेश दिया था, ये हमारे पूरे गठबंधन का पहला एजेंडा भी था, प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि परिसीमन होना चाहिए, चुनाव होने चाहिए, प्रतिनिधि आने चाहिए ताकि राज्य का दर्जा बहाल हो, ये सारी चीजें हो चुकी हैं, परिसीमन, चुनाव और सरकार का गठन 3 चरण थे, हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जल्द से जल्द लोगों के जनादेश का जवाब दे और राज्य का दर्जा बहाल करे। अब लोगों ने मैंडेट दिया स्टेट रेस्टोर करने के लिए, हमारा पहला एजेंडा भी वही था पूरी कोलिशन का, तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने भी कमिटमेंट की थी कि डिलिमिटेशन हो, इलेक्शन हो, नुमाइंदे आए तो स्टेट रेस्टोर हो, वो सारी चीजें हो चुकी, तो ये काबीना बनना फिलहाल एक थर्ड स्टेप था, डिलिमिटेशन, इलेक्शन और काबीना। हम चाहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर एज अर्ली एज पॉसिबल अवामी मैंडेट को रेस्पॉन्ड करे, स्टेट को रेस्टोर करे, उसका वेट करेंगे, देखते हैं वो क्या कहते हैं।